गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा एक्यूट पेनकेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं एक्यूट पेनकेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूंगा। नाउ जहां तक एक्यूट पेनकेटाइटिस का सवाल है, इसको अटलांटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से दो श्रेणी में बांटा जाता है। इधर दिस इज इंटरस्टीशियल पेनकेटाइटिस और नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है हमेशा कहते हैं कि आपको तो इंटरस्टीशियल पेनकेटाइटिस है या आपको तो नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस है, बिकॉज ये इन्हीं दो भागों में बांटा जाता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि इंटरस्टीशियल पेनकेटाइटिस क्या होती है, जो इंटरस्टीशियल पेनकेटाइटिस है वास्तव में आपका पेनक्रियाज एनलार्ज हो जाता है, आपका जो पेनक्रियाज है उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है, वो सोलन हो जाता है। इन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो साइंस है इंफ्लेमेशन के पेनक्रियाज के आसपास के एरिया में भी दिखाई दें। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिन्हें एक्यूट पेनकेटाइटिस होती है, साइंस ऐसा मानती है कि उन्हें इसी तरह की पेनकेटाइटिस होती है। साइंस ऐसा मानती है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पेशेंट्स हैं उनमें सेल्फ लिमिटिंग होती है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव कर जाती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बट द सेकेंड वेराइटी इज द नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस विच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। जो नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस है उसमें वास्तव में पेनक्रियास या पेनक्रियास के आसपास के एरिया दोनों में बहुत सारी नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है। अगर हमें नेक्रोसिस को देखना है तो बेस्ट हमें दिखाई देगी कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड इमेजिंग पर, दैट इज कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन। इसको हम अगर करें तो हमें नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस बहुत क्लियरली दिखाई देती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर 100 लोगों को पेनकेटाइटिस होती है तो अप्रोक्सीमेटली 5-10 पीपल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5-10% पीपल, उन्हें वास्तव में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस डेवलप होगी। नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको अगर एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनकेटाइटिस हुई तो आप रिकवर तो कर सकते हैं, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट साइंटिफिकली कि आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाए, आपको काफी कॉम्प्लिकेशन हो और आपका जो डिजीज कोर्स है वो काफी वेवी हो जाए या काफी डिफिकल्ट हो जाए। नाउ जहां तक सीवियरिटी का सवाल है, अटलांटा क्लासिफिकेशन ने जो सीवियरिटी है पेनकेटाइटिस की उसको तीन में डिवाइड किया। नंबर वन इज द माइल्ड पेनकेटाइटिस, नंबर टू इज द मॉडरेट पेनकेटाइटिस एंड द थर्ड वन बेसिकली इज द सीवियर पेनकेटाइटिस। अगर हम माइल्ड एक्यूट पेनकेटाइटिस को देखें तो जो इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है ये वास्तव में पेनक्रियास को ही कन्फाइंड होती है या बहुत सारा पेनक्रियास के आसपास का एरिया जिसमें ये कन्फाइंड होती है। ये जो पेशेंट्स हैं इन्हें और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इन द सेंस ना कोई ऑर्गन फेलियर होता है, ना कोई सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ना कोई लोकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंड जो मोर्टेलिटी है या लाइफ का रिस्क है बहुत मिनिमल है एंड ये पेशेंट्स यूजुअली जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर हम मॉडरेट सीवियरिटी को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि ये जो पेशेंट्स हैं इनमें लोकल या सिस्टेमिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये हो सकते हैं और ये जो हो सकते हैं सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ये ट्रांजिएंट हो सकते हैं या थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बट देयर इज नो ऑर्गन फेलियर इन द सेंस कि बाकी आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल ठीक काम करते हैं। या ट्रांजिएंट अगर ऑर्गन फेलियर होता है तो वो स्पॉन्टेनियसली लेस देन 48 आवर में रिकवर हो जाता है। तो जहां तक मॉडरेट सीवियर पेनकेटाइटिस का सवाल है या मॉडरेट पेनकेटाइटिस का सवाल है, इसमें भी जो रिकवरी रेट है इज एक्सेलेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ अगर हम सीवियर पेनकेटाइटिस को देखें तो ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अगर हम प्रॉब्लमेटिक एरिया को ध्यान से देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि इसमें सिंगल या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर परसिस्टेंट रह सकता है। जब मैं परसिस्टेंट की बात करता हूं इसका मतलब है मोर देन 48 आवर्स। इन जो पेशेंट्स होते हैं इन्हें वन और मोर लोकल कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है कि लोकल कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। एंड साइंस ऐसा मानती है कि अगर अनफॉर्चुनेटली सीवियर पेनकेटाइटिस डेवलप हुई तो जो मोर्टेलिटी की रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 30% तक जा सकती है। नाउ अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान से देखें तो कॉम्प्लिकेशन दो लेवल पे होंगे। नंबर वन वुड बी द लोकल कॉम्प्लिकेशन जो पेट के अंदर ही होंगे, द सेकंड वन वुड बी सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस जो पेट के बाहर होंगे। जो लोकल कॉम्प्लिकेशन होंगे उसमें नंबर वन पर आता है कि पेनक्रियास या पेनक्रियास के आसपास का जो एरिया है उसमें कुछ फ्लूड कलेक्ट हो जाता है विच इज नोन एज एक्यूट फ्लूड कलेक्शन। आपके जो स्प्लीनिक वेन है जो वास्तव में आपकी तिल्ली से निकल के लीवर में जाती है उसमें खून जाम हो सकता है या थ्रोम्बोसिस हो सकती है, उसे कहते हैं स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस। एंड
आपकी जो आर्टेरियल सिस्टम है या वीनस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो कभी कभी सूडो एन्यूरिज्म डेवलप हो जाते हैं पेनक्रियास के आसपास के एरिया में, और पेनक्रियास चूंकि सोलन हो जाएगा तो कभी कभी खाने की थैली के आगे के हिस्से को प्रेस करता है, तो कभी आपको गैस्ट्रिक आउटलेट डिस्फंक्शन या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर आ सकते हैं कि आप खाना या आप जो कुछ भी ले रहे हैं वो सब वॉमिटिंग में बाहर आ रहा है। अगर हम सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपको शॉक डेवलप हो सकता है, इन द सेंस कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, आपको ऑर्गन फेलियर डेवलप हो सकता है। जब मैं ऑर्गन फेलियर की बात करता हूं तो मैं टारगेट ऑर्गन्स की बात करता हूं। आपका ब्लड प्रेशर तो गड़बड़ाया, आपको जो यूरिन का आउटपुट कम हो सकता है, आपकी किडनी इंज्योर हो सकती है एंड आपका क्रिएटिनिन ऊपर की तरफ जा सकता है, आपका लंग इन्वॉल्व हो सकता है उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, आपको एनकेफेलोपैथी डेवलप हो सकती है। नो अगर हम पेनक्रियास और आसपास में जो फ्लूड कलेक्शंस हैं उनको ध्यान से देखें कि इसमें अल्टीमेटली है क्या। जो इस तरह के फ्लूड कलेक्शंस होते हैं साइंस ऐसा मानती है ये वास्तव में बहुत एंजाइम रिच पेनक्रियाटिक फ्लूड्स होते हैं। इनमें जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो काफी मात्रा में भरे हुए होते हैं। ये जो कलेक्शंस होते हैं इनमें एंजाइम्स और फ्लूड के अलावा नेक्रोटिक मटेरियल या जो है ना सड़ा हुआ मटेरियल भी हो सकता है, बट साइंस ऐसा मानती है कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में जो ये फ्लूड कलेक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ दीज डू सबसाइड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये 4 हफ्ते तक सबसाइड नहीं होते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि नेचर इनके चारों तरफ एक फाइबरस कैप्सूल डेवलप कर देता है। अगर ये फाइबरस कैप्सूल डेवलप कर देता है तो इसे साइंस की भाषा में कहा जाता है सूडोसिस्ट। इसका मतलब यह है कि यह सूडोसिस्ट डेवलप हो जाती है। जो सूडोसिस्ट डेवलप हो जाती है वास्तव में इसके अंदर फ्लूड होता है। ऐसे ही दूसरी एक एंटिटी है जिसे कहते हैं वर्ल्ड ऑफ नेक्रोसिस और WON। यह भी वास्तव में सिस्टिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बट इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो वास्तव में पेनक्रियास का डेड टिश्यू होता है या नेक्रोटिक मटेरियल होता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, साइंस ऐसा मानती है कि जितने भी सूडोसिस्ट बनती हैं उनमें से 1/3 सूडोसिस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं, एंड 1/3 पेशेंट्स ऑफ द पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस जिसे WON कहते हैं ये वास्तव में कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में चलने के चलते इसमें इंफेक्शंस डेवलप होते हैं, और इंफेक्शंस एक बार डेवलप हुए तो साइंस ऐसा मानती है कि एक लाइफ का रिस्क बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। इट कैरीज अ वेरी हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर WON है या पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है और उसमें अगर इंफेक्शन डेवलप हुआ तो एक मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। नाउ अगर हम सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान से देखें, जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन से ये सिंगल हो सकते हैं या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। इसका मतलब है कि आपका एक ऑर्गन झंझट में फंस सकता है या मल्टीपल ऑर्गन भी झंझट में फंस सकते हैं। जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसा मैंने पहले कहा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका लंग इन्वॉल्व हो गया, आपकी किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, आपका यूरिन आउटपुट नीचे जा सकता है क्योंकि किडनी डैमेज हुई, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फेलियर में जा सकता है, आपका बीपी नीचे की तरफ आ सकता है, आपकी हार्ट रेट एकदम ऊपर की तरफ भाग सकती है। एंड एट द एंड फ्रेंड्स वास्तव में ये शॉक डेवलप कराती है। शॉक इन द सेंस कि आपका बीपी इतना नीचे चला जाता है कि नॉन रिकॉर्डेबल हो जाता है एंड आपको आइनोट्रॉपिक सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको कोई भी दूसरी कोमॉर्बिड इलनेस है, इन द सेंस कि अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको सांस की कोई प्रॉब्लम है, आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, इसका मतलब अगर कोई भी दूसरी कोमॉर्बिड इलनेस है और उसके साथ में आपको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुई तो एक जो रिस्क है ऑफ गोइंग इन टू कॉम्प्लिकेशन वो हमेशा बढ़ जाती है। यह भी बात सही है कि अगर आपको परसिस्टेंट सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम परसिस्ट करता है या परसिस्टेंट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स परसिस्ट करता है तो आपको एक रिस्क फॉर लाइफ वो हमेशा बढ़ जाती है। अगर आपको SIRS या इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स परसिस्ट कर रहा है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अगर आपको टेम्परेचर परसिस्ट कर रहा है मोर देन 38 डिग्री या लेस देन 36 डिग्री, अगर आपके हार्ट रेट कंटिन्यूअसली 90 के ऊपर चली जा रही है, अगर आपकी रेस्पिरेटरी रेट हमेशा ऊपर की तरफ चल रही है मोर देन 20 पर मिनट, एंड अगर आपका ल्यूकोसाइटिक काउंट या TLC का जो काउंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी इस चीज का इंडिकेशन है कि आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत सिग्निफिकेंटली चल रहा है और जिसके चलते कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। नो अगर हम
कॉम्प्लिकेशंस को देखें तो जो ऑर्गन फेलियर है या ऑर्गन कौन से डैमेज हो रहे हैं वो वास्तव में मार्सिक स्कोर सिस्टम के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ये जो स्कोर सिस्टम है ये वास्तव में कुछ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स और वाइटल साइन के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि वास्तव में आपका रेस्पिरेशन, आपकी किडनी और आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कितना ठीक काम कर रहा है, इसके आधार पर जो एक कॉम्प्लिकेशन या सिस्टमिक असेसमेंट किया जाता है। अगर हम मॉर्टेलिटी को ध्यान से देखें, जहां तक एक्यूट पैनकाइटिस इज कंसर्न, साइंस ऐसा मानती है कि एक हफ्ते के अंदर, आपको अटैक आने के एक सप्ताह के अंदर जो भी लाइफ का रिस्क खड़ा होता है वो वास्तव में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते होता है। इन द सेंस कि पेनक्रियाज में अटैक आया लेकिन उसके चलते जो सांस में दिक्कत हुई, उसके चलते जो ब्लड प्रेशर गिरा, उसके चलते जो किडनी इन्वॉल्व हुई, दीज आर द एरियाज जिसके चलते आपको लाइफ का रिस्क तैयार होता है। लेकिन जो लेट फेज होता है, दैट मींस आफ्टर वन वीक, साइंस ऐसा मानती है कि इस पर डिपेंड करता है कि आपको कहीं मल्टी ऑर्गन फेलियर तो नहीं हुआ, कहीं आपको कोई इंफेक्शन डेवलप तो नहीं हुआ ऑफ द पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई सर्जिकल या एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन किया गया जिसके चलते पेनक्रियास में जो डैमेज की प्रोसेस है वो एनहांस हो गई। ये जो तीन चीजें हैं ये डिटरमाइन करती हैं कि आपका कोर्स कितना स्मूथ होगा एंड मॉर्टेलिटी की रिस्क आपको कितनी बढ़ेगी। तो जहां तक कॉम्प्लिकेशंस का सवाल है, कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट पेनकाइटिस में दोनों लेवल पर आ सकते हैं। ये लोकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वास्तव में ये सेल्फ लिमिटिंग हो सकते हैं, बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो पेनकाइटिस है इज ए सीरियस डिजीज, जो एक्यूट सीवियर पेनकाइटिस है विथ सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस विथ मल्टी ऑर्गन फेलियर अप्रोक्सिमेटली 30% मॉर्टेलिटी लेके चलती है। अगर आप समझते हैं कि पेनकाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।